नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? सो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस विच स्टडी द चॉइसेस टू फुलफिल अनलिमिटेड डिमांड्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। इसका मतलब है कि इस डेफिनेशन के तीन कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, अनलिमिटेड डिमांड्स, मतलब जो डिमांड है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, जिसकी कोई मर्यादा नहीं। किसके कंपैरिजन में? तो नंबर टू, लिमिटेड रिसोर्सेज के कंपैरिजन में। और उसके कारण से समस्या होती है, जिसे हम कहते हैं समस्या ऑफ चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। तो इसका मतलब है, अगर स्कैरसिटी नहीं होगी, अगर अछत नहीं होगी हमारे पास, और बदले में हमारी मांगे, हमारा वॉन्ट्स, हमारी नीड्स ज़्यादा नहीं होगी, तो फिर चॉइस की समस्या ही नहीं हो सकती है। तो इकोनॉमिक्स का हार्ट क्या है? तो हम बोल सकते हैं स्कैरसिटी ऑफ दी रिसोर्सेस। और तभी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चॉइस करते हैं जिससे हम अपनी मांगों को, अपने डिमांड्स को लिमिटेड रिसोर्सेस की मदद से फुलफिल कर सके, हम मैक्सिमाइज कर सके। द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज मैक्सिमाइजेशन। सो इट इज अ सोशल साइंस विच स्टडी द चॉइस टू फुलफिल अनलिमिटेड डिमांड्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। हम इसे साइंस भी कह सकते हैं। अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर विच एम एट एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस इन सच अ वे दैट कंज्यूमर, अगर कोई कंज्यूमर है तो वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करेगा, अगर कोई प्रोड्यूसर है तो वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, और सोसाइटी है तो सोसाइटी अपना सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करेगी। इट इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। इसका मतलब है स्कैर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर हम कोई दूसरी डेफिनेशन की बात करें, तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव द अल्टरनेटिव यूजेस। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, नंबर वन रिसोर्सेस लिमिटेड है, और दूसरा क्या है कि उनके अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक्स, आज मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम जो देखते हैं कि क्या चल रहा है, तो हम इकोनॉमिक्स के पिता, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का रेफरेंस लेते हैं, तो एडम स्मिथ को हम इकोनॉमिक्स के फादर कहते हैं, या फिर इन्हीं को हम फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहते हैं, पूंजीवाद के पिता। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776, जिसे प्यार से द वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। और इस बुक को हम फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं। इन्होंने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। तो संपत्ति का, जो देश की संपत्ति होती है, या फिर किसी, मतलब बहुत बड़ी टेरिटरी की, या जो वेल्थ होता है उसकी स्टडी हम करेंगे तो उसे इकोनॉमिक्स कहेंगे, ऐसा उनका मानना था। टू हिम, टू एडम स्मिथ, वेल्थ मे बी डिफाइंड एज दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच कमांड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो हर गुड्स या हर सर्विसेज को हम वेल्थ नहीं कहते, हम किसको वेल्थ कहते हैं? जिसके बदले में हमें कुछ मिले, जिसके बदले में कुछ मिले, ऐसा कुछ उसका वैल्यू हो तो उसे हम वेल्थ कहेंगे। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इकोनॉमिक्स इज नॉट टू बी कंसर्न ओनली विद प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ बट ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ प्रोडक्शन करना वेल्थ का, वेल्थ बनाना, इसी को ही हम इकोनॉमिक्स नहीं कहते, लेकिन उस वेल्थ का हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं उसको भी हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने एक थियोरी दी थी जिसको हम बोलते हैं स्मिथियन, मतलब एडम स्मिथ की इनविजिबल हैंड थियोरी, मतलब दिखता नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत ही पावरफुल होता है, ऐसी थियोरी। जैसे अंग्रेज भारत में आए थे तो उनकी जो पॉलिसी थी वो हमें दिखती नहीं थी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी मेन तो थी पहले पहले, तो ये दिखती नहीं थी लेकिन फिर भी भारत में अपना डोमिनेशन जो था वो स्प्रेड कर रही थी, बढ़ा रही थी। सो
ये थियरी जो है वेल्थ ऑफ नेशन की, ये एक्चुअली एक प्राइस सिस्टम की थियरी है। इसी थियरी को हम उसका इनविजिबल हैंड मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो ये कहती है द मैनर इन विच प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विल टेक प्लेस इन अ मार्केट इकोनॉमी इज प्राइस सिस्टम। के सिर्फ प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना यही नहीं वेल्थ वेल्थ क्रिएशन, बट द मैनर इन विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज द मेन फैक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब है द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री, हर देश का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू इंक्रीज द रिचेस, के अमीर लोगों की संख्या को बढ़ाना, एंड पावर ऑफ दैट कंट्री, ताकि क्या हो कि वो कंट्री और ज्यादा पावरफुल बने। एडम स्मिथ एंड हिज फॉलोअर रिगार्डेड एज इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ विच स्टडी द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, उसके बाद उसका कंजम्पशन ऑफ वेल्थ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो एडम स्मिथ के मुताबिक हम स्टडी ऑफ वेल्थ को इस तरीके से इकोनॉमिक्स कहते हैं। उनका मानना था कि रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट, सब लोग स्वार्थी होते हैं, तो एडम स्मिथ का मानना था ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा रेशनल मतलब लॉजिकल, ऐसा मैनिएकल नहीं, पागलपन नहीं, लेकिन रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटिशन कैन लीड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इन द लेट 18th सेंचुरी इसी कंसेप्ट को ब्रिटेन ने अपनाया था। तो उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था और ब्रिटेन ने क्या किया, उसी टाइम पे फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई, उसके बाद जो एडम स्मिथ की लेजिस फेयर इकोनॉमिक्स की थियोरी थी उसको अपनाया। अब ये लेजिस फेयर थियोरी क्या थी कि जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको बैरियर फ्री रखा जाए, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कम से कम होना चाहिए। सो इट इज कॉल्ड रिलेटिवली बैरियर फ्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इसको अपनाया था। और इसी थियोरी को अपना के ब्रिटिश एम्पायर यूज इट्स पावर टू स्प्रेड इट्स ब्रॉडली लिबरल इकोनॉमिक मॉडल अराउंड द वर्ल्ड कैरेक्टराइज बाय ओपन मार्केट्स। इवन टुडे दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस थ्रू सच थियोरी। अब देखते हैं, तो ये हो गई हमारी इकोनॉमिक्स की थियरी की डेफिनेशन, इसका मतलब। अब देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है, कोई इंसान कोई भी एक्टिविटीज लेता है तो उसकी किस एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है कि दोज एक्टिविटीज, पहली लाइन में लिखा है कि दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू अर्न मनी एंड वेल्थ फॉर लाइफ, के जो कुछ पैसा कमाना या संपत्ति अपने जीवन के लिए कमाना, उसके लिए कोई एक्टिविटी की जाए तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। दिस एक्टिविटीज जनरेट न्यू इनकम एंड इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन क्यों करते हो, प्रॉफिट कमाने के लिए। कंजम्पशन करना, इन्वेस्टमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो इनके बदले में कुछ ना कुछ मिलता है मॉनेटरी टर्म्स में, तो इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है कि दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्न मनी और वेल्थ। दिस एक्टिविटीज नाइदर जनरेट इनकम नॉर इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर टीचिंग हिज सन, जो अपने बच्चे को ही वो पढ़ाएगा तो उससे फीस नहीं ले रहा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अगर एक टीचर है अपने बच्चे को पढ़ाता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, क्योंकि बदले में पैसा नहीं ले रहा। लेकिन वही टीचर अगर स्कूल में जाता है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और स्कूल से सैलरी लेता है तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वैसे ही अगर कोई हाउस वाइफ है, अपने पति के लिए खाना बनाती है, तो बदले में तो वो पैसा नहीं लेती, सैलरी नहीं लेती, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। लेकिन अगर वो एज ए कुक किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी और के घर पे जाके एज ए कुक खाना बनाती है, बदले में सैलरी लेती है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एग्जांपल देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा एग्जांपल, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखते हैं। जैसे हमने अभी देखा प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये सारे काम जो है वो हम देखते हैं कि उसके बदले में कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म्स में मिलता है। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन हो गया, माइनिंग एक्टिविटी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गई, बैंकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मिंग, कल्टिवेशन एक्सेट्रा।
जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो कोई सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, कोई त्यौहार मना रहे हो, फेस्टिवल मना रहे हो, रिलीजियस एक्टिविटी हो गई, कथा करवा रहे हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो गई, आप वोटिंग करने के लिए जा रहे हो, या चैरिटेबल एक्टिविटीज़ या माँ बाप पेरेंटल एक्टिविटी, मतलब माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, तो वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती है। आउट ऑफ लव कुछ करते हो। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जैसे चोरी करना, डकैती करना या कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर करते हो तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसका कुछ अकाउंटिंग नहीं होता है, उसका काउंटिंग नहीं होता नेशनल इनकम में या इकोनॉमिक्स में। तो इसीलिए जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे स्मगलिंग होती है, प्रोस्टिट्यूशन है, ड्रग ट्राफिकिंग है, एट्सेट्रा, दे आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम समझते हैं कि चाणक्य ने क्या किया, क्या कहा है इकोनॉमिक्स के बारे में। तो उन्होंने डिफाइन किया है, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी चाणक्य, हमें पता है कि मौर्यन एम्पायर में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, जो चंद्रगुप्त मौर्या थे, उन्होंने धनानंद को हराया था। धनानंद नंद डायनास्टी के राजा थे मगध में। तो चंद्रगुप्त मौर्या धनानंद को हराते हैं और नेक्स्ट मौर्यन डायनास्टी की स्थापना करते हैं, और उनके गुरु जो थे वो चाणक्य थे, और उनकी पॉलिसी के मदद से या फिर उनके मार्गदर्शन के मदद से चंद्रगुप्त मौर्या एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर एस्टेब्लिश करते पूरे नॉर्थ इंडिया में। और उन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिसे कहते अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में और चाणक्य नीति में उन्होंने अपना बहुत सारा थॉट्स, बहुत सारे विचार रखे हैं। और उनमें से एक महत्वपूर्ण विचार ये है कि अगर कोई देश या कोई फैमिली या कोई राज्य अपने यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इग्नोर करेगा, तो वो देश, वो फैमिली, वो राज्य बर्बाद होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत ही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी चाहिए, पर इन्होंने कहा था कि अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इग्नोर किया तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम इसके बारे में सोचें तो हमें प्रैक्टिकली भी लगेगा कि बात तो एकदम सही है, और इसीलिए ये चाणक्य थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशन है, जैसे कंज्यूमर किसको कहते हैं। तो आप कुछ खरीदने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मॉल में जाते हो, किसी शॉप में जाते हो, कुछ खरीदते हो और उसका कंजम्पशन करते हो, तो आपने कुछ गुड्स और सर्विसेज खरीदा तो आप कंज्यूमर हो गए। प्रोड्यूसर किनको कहते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनको कुछ इनकम मिले, तो उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। नाउ सर्विस होल्डर किसको कहते हैं, सर्विस होल्डर का मतलब है अ पर्सन हु इज इन जॉब, जो नौकरी करता है, एंड गिव हिज सर्विस एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इज गेटिंग पेड फॉर इट। तो उसको जो सैलरी मिलती है, जैसे गवर्नमेंट टीचर है तो वो बच्चों को पढ़ाने जाता है स्कूल में, बदले में सैलरी लेता है, तो वो गवर्नमेंट टीचर जो है उसे हम कहेंगे सर्विस होल्डर है। सर्विस प्रोवाइडर किसको कहते हैं, तो जो जॉब में नहीं है लेकिन खुद सर्विस दे रहा है, इंडिपेंडेंटली सर्विस दे रहा है, तो उसे हम सर्विस प्रोवाइडर, डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज फॉर टू अदर फॉर अ पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टर, ऑटो ड्राइवर, एट्सेट्रा। नाउ स्टेटिस्टिक्स क्या है, सो स्टेटिस्टिक्स मतलब वो मेथड है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम डेटा ऑब्टेन करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको हम अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद क्लासिफाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये सारे मेथड्स जो है, जो न्यूमेरिकल मेथड्स जो होते हैं, उनको हम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। इसके बाद एक दूसरा डेफिनेशन आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, सो इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जब आप किसी इंडिविजुअल को स्टडी करते हो या फिर किसी हाउस होल्ड को स्टडी करते हो या फर्म को, मतलब कैसे उनके बिहेवियर को, तो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल या बिहेवियर ऑफ कोई फैमिली या बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस और फर्म इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो जनरली इट अप्लाई टू मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इट डील विथ इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, तो इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसमें क्या आता है, मेनली इट डील विथ व्हाट चॉइसेस पीपल मेक, तो मतलब कौन कौन सी चॉइस करते हैं, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस देयर चॉइसेस और देयर डिसीजंस, देयर बिहेवियर, देयर सप्लाई, डिमांड, एट्सेट्रा, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी हाउ एंड
ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी दैट इज द मार्केट सिस्टम दैट ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमी वाइड फेनोमिना सच एज इन्फ्लेशन, मतलब बड़े बड़े फेनोमिना को ये स्टडी करता है, जैसे कीमतें बढ़ने लगी, इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल, या इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट, या नेशनल इनकम है, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. तो बड़ी बड़ी लेवल की जो स्टडी है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और इंडिविजुअल लेवल की जो स्टडी होती है उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एंटायर इकोनॉमी, वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद मोर फोकस, इट फोकस ऑन द चॉइस मेड बाय इंडिविजुअल एक्टर्स इन द इकोनॉमी. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, मतलब पैसों का घूमना. तो आज हम समझते हैं कि आज की मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो एक मॉडर्न इकोनॉमी है. इसका मतलब है पैसा जो है वो एक सेक्टर में जाता है, फिर दूसरे सेक्टर में जाता है, फिर दूसरे में से वापस पहले सेक्टर में जाता है, वापस दूसरे सेक्टर में आता है, मतलब आपस में पैसा आता जाता रहता है. इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं. तो पहले हम लेते हैं हाउस होल्ड, एक फैमिली है. फैमिली क्या करती है, किसी फर्म में जाती है और जॉब करती है, मतलब अपनी सर्विस देती है और बदले में फर्म से पैसे लेती है. तो हम देखते हैं कि मतलब ये जो फैमिली है तो वो क्या देती है एक फर्म को, एक बिजनेस को क्या क्या दे सकती है. तो मतलब देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब या तो अपनी जमीन देगी तो बदले में उसको रेंट मिलेगा, या तो अपना काम देगी, लेबर देगी तो उसको बदले में वेजेस या सैलरी मिलेगी, या फिर कुछ पैसा उधार देगी किसी बिजनेस को, कैपिटल देगी तो उसके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर अपना साहस, मतलब साहस करके कोई बिजनेस खोला जाएगा, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप देगी तो बदले में वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे. तो इस तरीके से एक फैमिली जो है, तो पहले स्टेज में क्या होता है कि हाउस होल्ड जो है वो एक फैमिली है, वो बिजनेस फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इस हिसाब से जो है वो अपना कुछ ना कुछ योगदान देती है. सेकंड स्टेज में क्या है कि वही बिजनेस फर्म जो है उसके बदले में मॉनेटरी टर्म्स में उनको उनका रिटर्न देती है, जैसे वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दिया जाता है हाउस होल्ड को, फैमिली को. तीसरे स्टेज में क्या है, दोनों आपस में लेन देन करते हैं, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर को जो पैसा मिला था वो पैसा खर्च किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए, उनकी जो जरूरत है उनके लिए वो खर्च करेंगे. और वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनके ऊपर खर्च किया जा रहा है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो फर्म, वो बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है. तो इसके कारण बिजनेस को वो पैसा वापस जाएगा, एंड एट द सेम टाइम द फर्म प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड इन रिटर्न फॉर द मनी. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक फर्म है और दूसरी तरफ दूसरा प्लेयर है हाउस होल्ड. तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कैसे लेन देन होता है पैसों का, ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है. अब इसमें हम देखते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या रोल होता है. तो जैसे फर्म ने जब सैलरी के फॉर्म में हाउस होल्ड को पैसा दिया, सपोज आपकी 30,000 सैलरी है, आपको पैसा मिला. अब ऐसा तो है नहीं कि आप 30,000 के 30,000 ही खर्च कर दोगे, तो आप कुछ सेविंग भी करोगे. सपोज 5,000 आपने सेविंग कर ली, 25,000 का खर्चा किया, तो 25,000 वापस फर्म में चले गए, लेकिन 5,000 जो है वो आपने सेविंग कर ली तो 5,000 नहीं रहे, तो इसका मतलब है फर्म को कम पैसे मिलेंगे अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. अब फर्म को कम पैसे मिलेंगे तो बदले में फर्म जो है वो हायरिंग कम करेगी, वो प्रोडक्शन ऑपरेशन कम करेगी, अपने कॉस्ट घटाने की कोशिश करेगी. तो इससे क्या होगा कि अब वो सैलरी भी कम दे पाएगी, और इसके कारण इकोनॉमी धीरे 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 स्लो डाउन हो जाती है, और हम देखते हैं रिसेशन के फेनोमिना, डिप्रेशन के फेनोमिना हम देखते हैं. तो इसका हम समझ सकते हैं सेविंग जो है एक तरीके से लीकेज है, सेविंग इज अ लीकेज फ्रॉम द इकोनॉमिक सिस्टम. बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज वेयर विल सेविंग गो इन द इकोनॉमी, सेविंग जाती कहाँ है फिर. तो उसका आंसर है कि सेविंग जो है वो ऐसे हम शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं इट इज अ लीकेज, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्टमेंट बच जाता है, एंड इट इज नॉट लीडिंग टू एनी रिडक्शन इन एग्रीगेट स्पेंडिंग एंड इनकम एज सेविंग फ्लो बैक इन द इकोनॉमिक सिस्टम थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक बैंक है. बैंक में सेविंग कहाँ रखोगे, बैंक में रखोगे या स्टॉक मार्केट में रखोगे या इंश्योरेंस में रखोगे, इसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं.
और फाइनेंशियल मार्केट से कहाँ जाएगी सेविंग, ये फाइनेंशियल मार्केट से वापस बिजनेस फॉर्म में ही जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिजनेस फॉर्म बोरो करते हैं इन फाइनेंशियल मार्केट से, और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करने में बिजनेस को मदद करता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेविंग जो है, जो लीकेज थी पहले, वो वापस इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आ जाती है बिजनेस फॉर्म के अंदर, पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जिसे इंजेक्शन कहा जाता है। अब देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। सो जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करती है, वो पैसे बोरो भी करती है, जैसे किसान विकास पत्र हो गया या ट्रेजरी बिल्स हो गया, तो अलग अलग माध्यम से सरकार बोरो भी करती है। सरकार हम पे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स हो गया डायरेक्ट टैक्स, या फिर हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे सेल टैक्स हो गया, वैट हो गया, जीएसटी हो गया, इन माध्यम से टैक्स कलेक्ट करती है। तो मतलब सरकार के पास पैसे जाते हैं, सरकार बोरो भी करती है, सरकार के पास पैसे जाते हैं, और सरकार बदले में खर्चा भी करती है, स्पेंडिंग भी करती है, जिससे वापस इकोनॉमी में पैसे आ जाते हैं। सरकार भी वैसे ही परचेस करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, जैसे एक फैमिली या कोई बिजनेस परचेस करता है। सरकार अपने जो भी एक्सपेंडिचर है उसको फाइनेंस करने के लिए टैक्स कलेक्ट करती है और बोरोइंग भी कर सकती है। तो मनी फ्लो फ्रॉम हाउसहोल्ड एंड फर्म गो टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, मतलब हमारे पास से पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के फॉर्म में जाता है या फिर बोरोइंग के फॉर्म में जाता है, और वापस कैसे आता है, इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक गुड्स। लाइक सरकार जो भी खर्चा करेगी, सरकार हेल्थ के ऊपर खर्चा करेगी, जैसे कोरोना हो गया तो बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है, या सरकार एजुकेशन के पीछे कोई खर्चा करती है, सरकार पोलिसिंग मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करती है, या फिर डिफेंस सर्विस के लिए कोई खर्चा करती है, तो ये जो सारा खर्चा होगा वो वापस इकोनॉमी में पैसा आएगा सरकार के द्वारा। तो मतलब सरकार के रोल से भी क्या होता है, पैसा जाता है और वापस आता है, तो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहता है। तो यहाँ पे हम ये इस वीडियो का टॉपिक कंप्लीट करते हैं सर्कुलर इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेशनल अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया। तो आज के इस वीडियो में, इस वीडियो का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।